हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खान और आप देख रहे हैं फोटो फैक्ट न्यूज़ ऑनलाइन। आज 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के मौके पे कोलू टाटा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक चिल्ड्रंस कार्निवल और मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसके ऑर्गेनाइजर रुए रवा रहे इरफान अली ताज। इस मौके पे मौजूद रही वार्ड नंबर 43 की कोऑर्डिनेटर मोहतरमा शगुफ्ता यास्मीन, कोऑर्डिनेटर अमीरुद्दीन बॉबी साहब, सोशल एक्टिविस्ट फैसल साहब, ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट पप्पू शमसी साहब। इस मौके पे इरफान अली ताज साहब को एक मोमेंटो, अनोखा मोमेंटो पेश किया गया, जिसमें खुद उनकी तस्वीर एक कटआउट की शक्ल में थी। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की झलकियां। खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खासकर थोड़ा देर हो गया आने में, सुदीप दा हमारे वार्ड में आए थे, जो कि आज 5 बजे हमारा पार्टी का सम्मेलन है, गेट टुगेदर है, उसी वजह से उनकी जिम्मेदारी है, वो मसरूफ है। उन्होंने खास से कहा कि तुम्हें ये बॉबी इरफान अली ताज के बोले देवे अभी निश्चय आसता और हमार तरफ देखे तुम्हें निश्चय जाओ, तुम्हें ओखने बोले हमार नाम दिए अनाउंस करवे ये ओखने ताज बुलाया था, मगर वो नहीं आ पाए। मगर उन्होंने एक पैगाम दिया है कि जाके 43 वार्ड के लोगों को और इस अदारे के जो करते धरते हैं और खास से ताज भाई उनको भी जाके बोल देना कि हम नहीं आए, माजरत चाहते हैं और नेक्स्ट कभी प्रोग्राम होगा तो वो जरूर आएंगे। यही मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था। मैं सभी लोगों का, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबसे सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने इस तरह से इतना बड़ा प्रोग्राम ब्लड डोनेशन का रखा है और चिल्ड्रेन डे का कार्निवल रखा है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। जब बड़े उसको देखें तो प्यार से दुआ के आशीर्वाद के, जब माँ बहने देखें तो प्यार से सलाम कर लिया है, दुआएं दें। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, मेरे जितने भी नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, कि आप लोग सब, हम लोग सब मिलकर चाहें तो हम लोग से अपने वार्ड को लेकर हिंदुस्तान को बना सकते हैं और इंशाल्लाह हम लोग ऐसे नेक काम करते रहेंगे, अपने समाज को आगे लेके जाएंगे, अपने वार्ड को आगे लेकर के जाएंगे, अपने स्टेट को आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह 2024 में अपने मुल्क को भी आगे लेके जाएंगे। तालियां तो बजती रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ा ऐलान जनाब इरफान अली ताज को दिया जा रहा है। थैंक यू। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बानी है, जितने भी कार्यकर्ता है। आज जो उन्होंने प्रोग्राम स्थापित किया, इसके लिए बड़े तो बड़े बच्चे भी आज पूरे फौज में है और मैं सोच की याद देता हूं कि हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो उम्र तौर पर हम लोग बड़ों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा छोटा भाई ताज आज मुबारकबाद का मुस्तहक है कि उसने एक तरफ तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और दूसरी तरफ से बच्चों के लिए जो प्रोग्राम रखा है, इसमें बच्चे इतने खुश और गुलाबित है कि मुझे देख के बहुत ही मुतासर हो रहा है कि आज ये प्रोग्राम दोनों इस तरह से सेंट्रलाइज किया गया है कि आज बड़े भी खुश और बच्चे भी खुश। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई ये सोशल वर्क का प्रोग्राम जो है आयम रहे, जारी रहे, लोग इसमें जुड़ते रहे और देव और भाइयत का जो काम है वो जारी है। मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और लोगों से अपील करूंगा कि ये प्रोग्राम देखकर आप भी मुतासर हो और इसी तरह का प्रोग्राम आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, करें, सबों को जोड़ें और महल्ले को और अपने शहर को खुश और आबाद रखें। ये जो ब्लड डोनेशन आज किया जा रहा है कोरोना काल में, और इसे आप क्या एक्सपेक्ट किया, कितने लोगों ने इसमें ब्लड दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों का 132 आदमी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है
और ऑलरेडी ब्लड हम लोगों का 81% ने दे दिया है, बाकी के लोगों को चल रहा है और टारगेट हम लोगों का 100 ये सेंचुरी पूरी कर चुके हैं, लगभग 2000 तालियों से उनके लिए सम्मानित करें, बच्चे घर में उनकी हौसला उठाई करें, इसलिए हमारे क्लब आज भी ऑर्गेनाइज 100 से ऊपर डोनर अपना खून दान कर चुके हैं। ये किस क्लब के नाम से किया कर चुके हैं, मैंने किसी को जीवन दान कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन से कंटिन्यू चला रहे हैं। हमारे मोहम्मद अब्बास साहब है, वाइस प्रेसिडेंट तारिक साहब है और वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ। अच्छा, ये तमाम टूर्नामेंट भी कराते हैं, ब्लड डोनेशन भी कराते हैं, अफ्तार पार्टी भी कराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ ना कुछ सोशल वर्क होता रहता है। आप बताइए कि जो आप लोग चला रहे हैं, आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है बच्चों के साथ? आज हमारे भी बच्चे हैं, आज रात पर हमारे बच्चे सोए नहीं है, रात में बत्ती जला रहे तो बच्चे उनके वजह में पापा कब जाएंगे, इस तरह का एक्साइटेड था बच्चों में। उर्दू जुबान की गुजारिश है कि इस स्टेज के बाद 10 महीना से लोग बच्चे घर पे रहे हैं, उर्दू जुबान से गुजारिश है जो डिज्नीलैंड निक्को पार्क सब नहीं गए थे वो हम लोग के इलाके में देखने बताए कि भाई आज के दिन जो है बच्चे घर में बैठ बैठ के बोर हो चुके हैं, तालीमी म्यार इतना गिर गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई करते करते बच्चे थक जा रहे हैं। आज उसी बुनियाद पे हम लोगों ने एक मशवरा करके एक कार्निवल रखा और उस कार्निवल को कामयाब बनाने में हमारे ताज भाई का बहुत बड़ा हाथ है, हमारी पूरी टीम पुरुला स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की टीम, हमारे इलाकाई लोग जो हमारा साथ देते हैं, हमेशा ताउन करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं कलकत्ता पुलिस का, बोबेर थाना का, जोरा सागर थाना का कि हमको परमिशन मिला और हम लोग ये काम को अंजाम दे पाए। बच्चों में काफी उत्साह है देखे जा रहा है। जी जी बेशक, आप देख ही रहे और उसके साथ जो अभी एक सिलसिला चल चुका है कि ब्लड डोनेशन में ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिल रहा है तो उसको भी स्पेशल नजर रखते हुए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया। ब्लड क्राइसिस के दौर से चल रहा है। जी जी, बहुत क्राइसिस है, हफ्ते में 4-5 आदमी का कॉल आता है कि आपके क्लब में ब्लड डोनेशन हुआ था, कार्ड है कि नहीं है, उसी बुनियाद पर हम लोगों ने दोबारा ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। ये चिल्ड्रेन डे के मौके पे आप लोगों ने क्या है इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। चिल्ड्रेन डे का दिन चिल्ड्रेन का दिन हम लोग हर त्यौहार पे या हर इवेंट होता है तो कुछ काम ऐसा करते हैं कि हम लोग बड़े लोग भी शामिल हो पाते हैं, बच्चे शामिल नहीं होते क्योंकि अभी कोरोना वायरस का टाइम चला, पीछे 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया ये कैसा कुछ किया जाए जिससे हमारे जो एरिया के बच्चे वो लोग आगे इन्जॉय करें, इसीलिए हम लोगों ने ये और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसी मौके पे हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का भी ऑर्गेनाइज किया, हम लोगों ताकि ब्लड की कमी अभी चल रही है कोरोना काल की वजह से ब्लड की कमी आ गई है, इसलिए ब्लड डोनेशन का भी इंतजाम किया है ताकि हम लोग उसको कोशिश करें जितनी हम लोग हो सके हम लोग। अच्छा, इसमें कितने ब्लड डोनर्स हैं आप लोग? 110 के आसपास का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है। जी, आप देख रहे हैं ब्लड देने के लिए शाम तक कितने हो पाएगा दिया जाएगा और बच्चे कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आप देख सकते हैं और आप बच्चे कितने आप देख हजारों